मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाशिवरात्रि पर्व पर छतरपुर जिले के गढ़ा में बागेश्वर धाम में विशाल सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए। नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने सफल और सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और देश के अन्य स्थानों से उपस्थित संतों का आशीर्वाद भी लिया। सामूहिक विवाह महोत्सव के कार्यक्रम में गरीब परिवार की 156 कन्याओं के विवाह संपन्न हुआ। बागेश्वर धाम में बुदेलखंड महाकुंभ के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का यह 5वां आयोजन था। कार्यक्रम में कुश्ती पहलवान दिलीप सिंह राणा उर्फ खली, गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री प्रभार देवेंद्र लोधी एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल भी शामिल हुए। आज बागेश्वर धाम में मैंने आकर सामूहिक विवाह में सम्मिलित भी हुआ और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सबको शुभकामना भी दी है। और खजुराहो के मंदिरों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि सारे मंदिरों में पूजा करा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। वो पुरातत्व की दृष्टि से रोका गया था, लेकिन इसका रास्ता निकालना राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जन भावनाओं का आग्रह है। माननीय बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने भी निवेदन किया और मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। और उम्मीद करते आने वाले समय में मैंने महाराज जी से कहा कि सामूहिक विवाह में सरकार भी ऐसी व्यवस्थाओं में मदद करती है, अगर और तिथियों पे भी सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर धाम और महाराज जी अगर आयोजन करना चाहेंगे हम उनके साथ है। मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।